गाइस क्या आप कोई एक बड़ा लोन लेना चाहते हैं, यानी गाइस आप लेना चाहते हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए तक का लोन। आपके घर में आ गई है मेडिकल इमरजेंसी, होम रेनोवेशन करना चाहते हैं, शादी के लिए आपको पैसे की जरूरत है, बाहर घूमने जाना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कहां पर लोन अप्लाई करें, पैसे तो आपके पास नहीं है। तो गाइस आपको आज मैं आप यहां पर एक ऐसी ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप एक बड़े लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तुरंत लोन के लिए ऑफर मिलता है, तुरंत आप यहां पर जो है अपने बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ले सकते हैं, ओनली आधार कार्ड से केवाईसी करने के बाद में। जानना चाहते हो कौन सी फाइनेंस कंपनी, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक करना, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले, और हां बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप प्ले स्टोर में, और यहां पर आपको एक एप्लीकेशन दिखा दी जिसका नाम है हीरो फिनकॉम पर्सनल लोन ऐप। हीरो फिनकॉम आपको पता है ये हीरो फिनकॉम लिमिटेड की ओर से एप्लीकेशन आती है, यानी गाइस हीरो की आपने बाइक देखी होगी, चलाई होगी, आपके घर में होगी, तो आपको जो है हीरो फाइनेंस भी कराता है। आपको पता होगा, आपने देखा होगा जब आप बाइक लेने जाते हैं तो हीरो का ही वहां पर आपको फाइनेंस मिल जाता है। तो हीरो ने क्या किया, अपना पर्सनल लोन भी देना स्टार्ट कर दिया अपने कस्टमर को, प्री अप्रूव्ड ऑफर भी देती है वो। अगर आप पहले से हीरो के कस्टमर हैं आप जो है जो प्री अप्रूव्ड ऑफर ले सकते हैं, पा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली भी आप हीरो फिनकॉम से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टेंट पर्सनल लोन नाम सीधा डायरेक्टली इन्होंने रख दिया इसका, हीरो फिनकॉम इंस्टेंट पर्सनल लोन आप यहाँ पर ले पाएंगे। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके सिक्योर है गाइस ये वाली एप्लीकेशन, नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स फिजिकली नहीं देना, आपके पास कोई नहीं आने वाला, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट होने वाला है। ठीक है, कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी लोन ईएमआई को, आप यहाँ पर 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, यानी गाइस आपको 1.5 लाख से ऊपर तो लोन नहीं मिलेगा। हाँ 1.5 लाख तक का लोन आपको मिल जाएगा, 1.5 लाख की बहुत बड़ी रकम होती है गाइस, जिससे बहुत काम आप अपने घर के कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना है, ओनली 4 से 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं, लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर अगर लोन के लिए ऑफर मिलता है तो गाइज यहाँ पर आप घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत बताऊंगा कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो में बने रहना गाइज, जहाँ तक मुझसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। जो डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कैसे कैसे आपको लोन मिलेगा, कैसे करना होगा, कितना लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और ओपन करनी है, जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोले उतनी बार आपने इसको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गेट इंस्टेंट पर्सनल लोन विद रियल टाइम अप्रूवल, रियल टाइम अप्रूवल आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, नो हिडन चार्जेस सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर डालना होगा। मैं लॉगिन किया और लॉगिन करने के बाद गाइस देखिए इंटरफेस आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। जो आप रजिस्टर करेंगे ना फर्स्ट टाइम, तो रजिस्टर करने में आपको यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए गाइस क्या बोल रहे हैं मुझे कि आप यहाँ पर कितना लोन लेना चाहते हैं, आपको भी यहाँ पर सेम ऐसा ही बोलेगा, अपनी मर्जी से आपको चूज करना है। आप यहाँ पर 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, जिसकी ईएमआई आपको यहाँ पर जो है देखिए गाइस 6 महीने से लेकर 24 महीने तक के लिए आपको ये लोन मिल जाएगा। अगर आप 24 महीने के लिए लोन लेंगे तो गाइज आपको मिलेगा जो है 8,600 रुपये की आपकी ईएमआई होगी। और यहाँ पर ये अच्छी बात है कि ईएमआई कैलकुलेशन पहले ही यहाँ पर दे रखा है इन्होंने कि भाई पहले ही आप चेक कर लीजिए, 1,92,144 रुपये का टोटल रीपेमेंट हमारा यहाँ पर होने वाला है गाइज, 1.5 लाख रुपये का लोन लेने पर, यानी 42,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे 24 महीने में। अगर मैं इसको घटा दूँ और मैं इसको करूँ 6 महीने के लिए तो गाइज 1,61,130 रुपये हमारे यहाँ पर जाएंगे एक्स्ट्रा, 26,855 की ईएमआई हमारे यहाँ पर होने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से लेकर 25% हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस भी होगी गाइज, वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए हम करते हैं अप्लाई लोन पे क्लिक, और मैं इसको घटा देता हूँ 50,000 रुपये 6 महीने के लिए, 89,552 रुपये 53,712 हमारे जाएंगे। अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करता हूँ, और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ गाइस पहले। ठीक है, एक चीज़ और दिखाता हूँ, कौन कौन सी सिटी में ये अवेलेबल है वो भी देख लीजिए, ये भी देखना आपके लिए जरूरी है ना गाइज। तो मैं इसको अपडेट किया, अपडेट करने के बाद गाइज वो पीछे चला गया, सिटी वहाँ पर लिखी हुई थी। तो यहाँ पर क्या बोला कि भाई देखिए लोकेशन वोकेशन स्टोरेज एप्लीकेशन सबको परमिशन दीजिए, एक्सेप्ट करते हैं, अलाउ करना होगा आपको जितनी बार भी अलाउ करने के लिए बोले। ठीक है, और हाँ ये टेंशन फ्री होकर आप ये अलाउ कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रस्टेड है, टेंशन फ्री हो जाइए। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर टोटल जो स्टेप कंप्लीट करने वो देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेप कंप्लीट करने हैं। 6 महीने के लिए 50,000 का लोन अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर ये बोल रहा है कि पैन कार्ड दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। चलिए करते हैं, देखते हैं हमें लोन का ऑफर मिलता है या नहीं मिलता है, जहाँ तक होगा मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो पैन कार्ड नंबर है वो आ गया, अभी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। और गाइज डेट ऑफ बर्थ मेरा भैया है 1987 हो गया, 1 जनवरी 1987।
उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद गाइज अभी क्या होगा, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, फाइंड ए वॉल लिट पैलेस। तो यहाँ पर देखिए पैन कार्ड हमारा वेरीफाई हो चुका है, हीरो फिनकॉम इंस्टेंट पर्सनल प्रोवाइड क्विक लोन डायरेक्टली टू यूर, प्लीज वेरीफाई यूर सेल्फ विद सेल्फी, सेल्फी अपलोड कीजिए। तो प्रोसीड टू कैल सेल्फी, भैया सेल्फी अपलोड कर दी और मेरी मैच नहीं होगी मेरे आधार कार्ड के साथ में, यार गारंटी से बोलता हूँ। अभी क्या बोल रहा है कि भाई आधार कार्ड से KYC कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके आधार कार्ड से ना आपको मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए गाइस, अगर लिंक नहीं है, अगर आप नो पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है भैया आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आपसे फिजिकली डॉक्यूमेंट्स मांगे। तो मैं तो मेरे तो लिंक है भैया, मैं तो वो करता हूँ आधार कार्ड से KYC लिंक से। तो मैं डालता हूँ अपना आधार कार्ड का नंबर और भाई उसके बाद डालना है कैप्चर कोड। मैं सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है, और मैं सब कुछ ही लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, आपको पता भी है। अब ये नहीं पता ये आई है या एफ है, जो भी है नेक्स्ट करते हैं। OTP आएगी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपको डालनी है और कंटिन्यू करना। ये OTP उस मोबाइल नंबर पर आएगी जो आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक होगा। OTP मेरे पास आई नहीं है, यहाँ पर तो नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है फ़ोन के अंदर आ गई हो। ठीक है, आ गई है OTP 830 806 कंटिन्यू किया। जो भी डिटेल है आधार कार्ड के अंदर गाइज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर डिजी लॉकर से KYC होती है, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर का अपना पासकोड होगा एक बताना होगा आपको, यहाँ पर कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, और जैसे आप कंटिन्यू करेंगे आपको अलाउ करना होगा, इसको परमिशन देना है भाई हाँ डिजी लॉकर से हमारी KYC कर दो भैया, बता दो उनको जो भी डिटेल है हमारे आधार कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर क्या हुआ भैया, नॉट एबल टू वेरीफाई योर सेल्फी प्लीज़, मैं बोला था ना आपको मेरे आधार कार्ड से मेरा जो ये जो चेहरा है शायद जो है गाइज ना हो, मुझे पता था इस बात का। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से कर रहा हूँ गाइज अपनी जो फोटो है वो यहाँ पर कैप्चर। हाँ देखिए गाइज अभी मैच हो गया, तो मैंने क्या हुआ था देखिए, मेरा जो पहले आधार कार्ड के अंदर फोटो है वो थोड़ा सा अलग है, अभी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी ज़्यादा पड़ गई है तो वहाँ पर मैच नहीं कर पाता है बहुत सी बार। अभी देखिए यहाँ पर मेरी जो डिटेल है आधार कार्ड के अंदर आ चुकी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा कंप्लीट एड्रेस। अब यहाँ पर ही पूछ रहा है कि भाई इज़ योर मेलिंग एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम योर परमानेंट एड्रेस, ये बोला है कि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस अगर सेम है तो भैया आप जो है यस कर दीजिए। तो मैं इसको करता हूँ नो, तो गाइज मैंने इसको कर दिया नो क्योंकि मेरा मेलिंग एड्रेस सेम है करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस। तो मैं क्या करता हूँ अपने फादर का नाम यहाँ पर डालता हूँ, फादर का नाम यहाँ पर आपको डालना होगा और मुझे पता है मुझे अप्रूवल नहीं मिलने वाला गाइज क्योंकि मेरा जो सिविल स्कोर है अभी ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो माता जी का नाम भी यहाँ पर डालना होगा आपको अपनी, और माता जी का नाम डालने के बाद गाइस आपको नीचे आपकी लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, कौन सी आपकी लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल है। तो मैं हिंदी में हूँ भैया, हिंदी कहाँ गई, हिंदी 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 आ गई हिंदी। देखिए गाइस अभी हम कौन से स्टेप है, अभी हम है चौथे स्टेप पर, इसके तुरंत बाद आपको लोन के लिए ऑफर मिल जाएगा। अगर लोन के लिए ऑफर मिला फिर आगे स्टेप कंप्लीट करने हैं, लोन के ऑफर नहीं मिला तो भैया आप ही अप्लाई करना, मेरा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ नेक्स्ट पर क्लिक, और यहाँ पर जो मेरी पर्सनल डिटेल है सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट हो गई है, मुझे लोन का ऑफर मिलेगा तो मैं आपको आगे स्टेप करके दिखा दूंगा। नहीं मिला लोन के लिए ऑफर नहीं मिला गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सॉरी वी आर अनेबल टू अप्रूव योर लोन रिक्वेस्ट एट दिस टाइम, यहाँ पर मेरे लिए लोन का ऑफर नहीं है, मुझे मना कर दिया, बोले 30 दिन बाद आप दोबारा अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो 4 स्टेप मैंने गाइज आपको कंप्लीट करके दिखाए, जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैंने दिखाया। अगर आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर मिला है उसके बाद आपको ओनली गाइज बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, ई साइन एग्रीमेंट करना है, लोन को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले लेना है, बस कुछ नहीं करना है इसके अलावा। डिजिटल है पूरी तरीके से, फिजिकली नहीं है, आपके घर पर कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए नहीं आने वाला, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही करना होगा। तो मैं तो गाइज देखिए जितना हो सकता है मैंने आपको दिखा दिया, इससे आगे जब मुझे मिला ही नहीं ऑफर मैं क्या दिखाऊं, आप समझ सकते हैं इस बात को। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट स्टेप बताऊं तो मैं भाई कोई ना कोई जरूर ढूंढ लाऊंगा जिसको लोन के लिए ऑफर करेगा, आगे स्टेप भी दिखा दूंगा, मुझे कमेंट्स करके आप बताओ। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना भी बहुत भूले, चलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए इतना ही।